न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। रेवाड़ी जिले के विभिन्न गांव में 5 मार्च के बाद ओलावृष्टि और तेज बारिश होने से हजारों किसानों की गेहूं या सरसों फसल नुकसान हो गई है। रेवाड़ी जिले के विभिन्न गांवों में 5 मार्च के बाद ओलावृष्टि और तेज बारिश होने से हजारों किसानों की गेहूं और सरसों फसल को नुकसान पहुंचा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर जिला रेवाड़ी प्रशासन ने खराब फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को आर्थिक राहत देने की जो शुरुआत की है, उसके बावजूद किसान उस दर्द का आज भी महसूस कर रहे हैं। देश के अन्नदाता की गेहूं और सरसों की फसल में किसान 1/4 नुकसान होने की बात कह रहे हैं। काफी खेतों में ओलावृष्टि और बारिश के पानी के निशान अभी तक बाकी हैं। अब जिले में सरसों फसल की कटाई का काम शुरू हो गया है, मगर किसानों का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। फसल में पूरी लागत लगने के बाद अब किसानों को आज उपज और काम लाभ की संभावना अभी से दिखाई दे रही है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की किसानों से संबंधित एक अन्य योजना ने अन्नदाता के जख्मों पर थोड़ा मरहम लगाने का काम किया है। किसानों को अभी कुछ और राहत की सरकार से उम्मीद है। बैंकों की किसान कल्याण संबंधी नीतियों पर सवाल उठाने के बाद फसल बीमा योजना का लाभ भी सवालों के घेरे में है। उसमें भी पंजीकरण करवाया, जो प्रधानमंत्री योजना है उसकी वजह से हमको पहले पैसे भी मिले थे प्रधानमंत्री योजना के, और जो खट्टरवाड़े ये है मुख्यमंत्री के, इसमें भी वो करवा रखे है जी। लाभ मिला है इनका? इनका तो जी जैसे वो 6,000 रुपये साल के हैं ना प्रधानमंत्री योजना वाले, तो फिर साल के 6,000 रुपये तो मिल गए, एक किस्त और भी मिल गई प्रधानमंत्री योजना। और मुख्यमंत्री वाली योजना अभी से तो जैसे फार्म जमा कंप्यूटर पर करवा ही रहे हैं जी। कौन सा नाम? नाम लवास। अब की बार ओलावृष्टि हुई जी, तो उससे कितना नुकसान आप देख रहे हैं जी? कई किलो में तो गेहूँ में तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, और सरसों में 50% सरसों में भी नुकसान है जी। अच्छा, और ये तो आप देखो खेतों में तो बिल्कुल सरसों जैसे पड़ी हुई है और ऊपर से फली फटी हुई है बिल्कुल। उससे आपके खेत में तो पानी भी भरा हुआ है? हाँ जी, पानी भरा हुआ है। गेहूँ में आपको दिखाऊं तो आप मानोगे हम बिल्कुल ही खेत खत्म हो गया। गेहूँ में भी नुकसान है? हाँ जी, गेहूँ में भी नुकसान। तो प्रशासन को आपने गुहार लगाई है? देखो जी, गुहार की तो हमने इंश्योरेंस भी करवा रखा है। अच्छा, फसल का जैसे क्रेडिट कार्ड वाला उससे बीमा करवाया था जी हमने। अच्छा, तो उसको जैसे कहा था भाई किसान उसमें जमा करो, उसमें जमा भी करवाया है जी। आगे देखो क्या कुछ बीमा है, क्या गवर्नमेंट कुछ करती है, जमींदार का मतलब काफी नुकसान है जी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।